फाइवर प्रो में क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, और एक स्टार्टिंग कैसे लिए और कौन से लेवल्स होती है और फाइवर प्रो पे किस तरह जाते हैं। मुझे इतना तो पता है कि फाइवर प्रो पे सिर्फ 1% फाइवर की प्रोफाइल, जो जितने भी ऑडियंस है, सिर्फ 1% जो है वो फाइवर प्रो पे 2-3 ईयर्स पहले फाइवर प्रो के नाम से, जिसमें एग्जैक्टिव क्लाइंट्स आते हैं, कंपनीज आती हैं जो हायर करती हैं, फाइवर ही पहला प्लेटफॉर्म है और अभी तक उसी को ही लेके चल रहा हूँ। मार्च 15 में मैंने स्टार्ट किया, फिर अगस्त तक जो है मुझे कुछ नहीं मिला, मैंने बोला बस छोड़ दें, बेकार है। अभी भी किसी को बताता हूँ ना मैं फाइवर पे फ्रीलांसर हूँ तो ये बोलते हैं अरे भाई ये क्या चिल्लड़ वाले काम इसमें। लेकिन लोगों को जो है ना, जहाँ से सीखने को मिल रहा है और मतलब उनको फ्यूचर बन सकता है, वो छोड़ के लोग वो देख रहे हैं यार खाना कैसा बन रहा है, चाइनीज़ खाना कैसे खा रहे हैं, मतलब उससे आपको क्या मिलेगा, चाइनीज़ खाना कैसे खा रहे हैं, आपको क्या फ़ायदा हो रहा है उससे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने एग्जाम्पल लेके आपको 2 बजे को मैसेज करा है दोपहर के, आप उसको रात को 10 बजे रिप्लाई कर रहे हैं, एक तो वैसे ही वो नाराज़, फिर आप जो हैं और गैर जिम्मेदारी दिखा रहे हैं। और लोग जो हैं कि किसी फ्रीलांसर को देखते हैं ना कि वो बहुत अच्छा अर्न कर रहा है, तो अब वो कोशिश कर रहे होते हैं जल्दी जल्दी मैं वैसा बन जाऊँ, चाहे फाइवर है या चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म है। तो स्टार्ट में आपकी यही कोशिश होनी चाहिए कि आप अर्निंग नहीं करें, आपको जो है फीडबैक अच्छा लेना है और रिव्यू अच्छा लेना है। जब आपके पास कुछ 10+ कुछ रिव्यूज़ आ जाएँ फिर आप अपनी मर्ज़ी की। एक नया डिज़ाइनर है तो वो अपने जो ना सबसे पहले डिज़ाइनिंग करने के बाद एक स्टेटस लगा देता है, एक कवर अपडेट कर लेता है कि आई एम डिज़ाइनर, आई कांट वर्क फॉर फ्री। इसमें यह कि आप अपनी मर्ज़ी से अर्निंग कर सकते हैं, ज़्यादा काम करेंगे ज़्यादा अर्निंग, कम करेंगे कम अर्निंग, वहीं ज़्यादा आपको अट्रैक्शन होती है। जहाँ लिखा होगा बड़ा सा 70% ऑफ, लेकिन छोटा सा नीचे लिखा होगा अप टू लिखा होगा, आप 70% देख के अंदर चले आएंगे और अंदर देखेंगे 10-20%। इतना अर्न भी नहीं करें कि आप सेल्फिश बनने लग जाएंगे, बस अपना ही देख रहे हैं, बाकी पैसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब घर वालों को तो आप नहीं बताएंगे ना मैंने जॉब स्विच करी है या 1 महीना मैं कुछ नहीं दे सकता। इतनी इंटरव्यूज़ दी हैं कि मुझे कराची के ऑलमोस्ट सब कंपनीज़ का पता है, क्योंकि काम मुझे इस वक्त इतना आता नहीं था, मैं इंटरव्यूज़ देने हर जगह पहुँच जाता था। और जिनसे नहीं होता ना उनके पास एक्सक्यूज़ हैं, मतलब आजकल का जो टाइम है इतनी ज़्यादा रिसोर्सेज हैं कि हर कोई बोल रहा है हमसे सीख लो आगे, मतलब फ्री में इतना कुछ, स्टिल उनके पास एक्सक्यूज़ हैं, जो कर रहे हैं ना वो कर रहे हैं। मतलब आपको एक अननोन क्लाइंट को बिट से लेके आपको उसको अपना पर्सनल क्लाइंट बनाना है, वो कैसे बनाना है वो आपके हाथ में। फ्रीलांसर्स की अपनी स्किल है कि आप $5 को या $50 को आप 500 या $100 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर हमारी मीटिंग हुई थी ऑनबोर्डिंग की, इसमें वर्ल्ड वाइड न्यू फाइवर प्रो के थे तकरीबन 20 थे उसमें, और उस कॉल पे एशिया में सिर्फ मैं ही था एक। तो मैंने इन 10 सालों में 6 कंपनीज स्विच करी, उसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि जब मैंने देखा कि मेरी यहाँ पे लर्निंग ख़त्म हो गई है 1-1.5 साल में, तो मैंने वहाँ से फ़ौरन स्विच करा कि मैंने ये मेरा प्रोजेक्ट रहा है, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है UX में, और मैं आपको इसी एक्सपीरियंस के थ्रू आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो आप मुझे ये असाइन कर सकते हैं। ना कि वो कि आपने बना के रखा हुआ टेम्पलेट और भाई सबको वो पता चल जाता है कि टेम्पलेट बनाया हुआ है, आपने उसको पढ़ के रीड करके उसके हिसाब से आपने कॉन्टेंट लिखा। जॉब करते हैं 8-10 आवर्स की, और उसके बाद जो है ना वो बोलते हैं, उनसे आप पूछेंगे ना आप ये कोई अपने आप को अपग्रेड क्यों नहीं कर रहे, नहीं सीख रहे हैं, तो वो बोलते हैं टाइम नहीं है हमारे पास,